हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम जिस गाने का ब्रेकडाउन करने वाले हैं वो गाना है तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी। तो इस गाने को मैंने एक मैशअप टाइप का रेडी किया था, तीनों गाना को एक साथ जुड़ के मैंने इस गाने को रेडी किया था। तो वो गाना कौन कौन सा है वो हम आगे चलकर देखेंगे वीडियो में। और इस गाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस गाने को आप लोग सुन सकते हैं मेरे दूसरे चैनल प्रीतम ऑफिशियल पर। तो चलिए अब हम प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को मैंने बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है। मेन जो सॉन्ग है उस सॉन्ग का कुछ कुछ चीज़ें मैंने इस गाने पर भी यूज़ की है। तो चलते हैं अब हम हमारे फर्स्ट पोर्शन जो पियानो पे, और अब हम देखेंगे कि पियानो पर कौन कौन सा पैटर्न मैंने यूज़ किया है। तो सबसे पहले पियानो पर जाते हैं। फर्स्ट में ही मैंने सिर्फ यहाँ पर कॉर्ड प्ले की है बस, और कुछ नहीं। उसके साथ नीचे जो मैंने प्ले किया था वो है एक वायलिन, सॉरी वो शायद होगा एक वायोला, ठीक है। इसको हम लोग सुनते हैं, सेम रखा है। उसके साथ ही मैंने नीचे ऐड किया एक बेल्स साउंड जो कुछ इस तरह से साउंड करता है, एक आर्प जैसा है, आर्पेजिएटर। अब एक साथ मिलकर अगर हम सुने इस तीनों को, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है वो है गाने का फर्स्ट पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर कॉर्ड ही शायद प्ले हुए होंगे, देख लेते हैं। जी कॉर्ड, सिंपल सा जो प्रोग्रेशन है वही मैंने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्रेशन है जो कि जो कॉर्ड यहाँ पर लग रहे थे वही मैंने यूज किया है। और उसके बाद उसके नीचे ही मैंने एक फिर से एक इको वाला एक आर्पेजिएटर लगाया। तो उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक पैड यूज किया था जो कि ऐसा है, ये पहले से ही था। उसके बाद यहाँ पर बेस आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट में मैंने एकदम सिंपल रखा क्योंकि जो मान मेरी जान गाना है उसका फर्स्ट पोर्शन बहुत ही सिंपल था, लेकिन एक
आवाज़ थी वो आवाज़ मैंने नहीं दी, क्योंकि ये मैं रिप्राइज करने वाला था, तो इसलिए मैंने आवाज़ नहीं दी। तो कैसा साउंड करता है फर्स्ट पोर्शन वाला, वो हम सुनते हैं मेरे वोकल के साथ। दासी कभी देख सकदा नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकदा नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया तेरे दिल से ना। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जब तेरे दिल से ना जब वो बात आ रही है, तो उसके बाद यहाँ पर जो पियानो का कॉर्ड है वो भी थोड़ा स्पीड हो गया, मतलब वो भी थोड़ा गैप, जो इसके पहले जो गैप था वो गैप को वो फील करता रहा और वो अकेला अकेला चलता रहा। कैसे? ठीक है, उसके साथ ही मैंने यहाँ पर जो बेस का लाइन है उस बेस को उस पियानो के हिसाब से मैंने यहाँ पर बजाया, एक रिदम क्रिएट करना था। तो सुनते हैं एक साथ। दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपनी मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा वो है तू मान मेरी जान, तो उस बात के बाद ही तो बीट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैंने यहाँ पर एक समथिंग इज थोड़ा क्लैप जैसा होगा, तो उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो सबसे पहले वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पर मैंने बहुत सारा रिवर्ब लगाकर उसको ऐसा बना दिया, जो कि गाने का शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है। और बीट का जो सेक्शन है यहाँ पर और वहाँ और यहाँ पर मैंने एक विंड चिम्स भी डाला था, वो एक साथ में कैसा लगता है वो हम सुनेंगे। ठीक है, अब बीट की बारी। यहाँ पर जो मैंने बीट रखा था वो एक ही लाइन पर है। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग सुन लेंगे। एक हिप हॉप वाला बीट है। ठीक है, यही। और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक गिटार बजता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक गिटार है, मैंने यहाँ पर क्लीन गिटार नाम दिया था। वो कैसा बज रहा है देखेंगे। जस्ट प्लग इन हो रहा है। ठीक है, अब बीट के साथ कैसा लगता है सुनेंगे। सॉरी, यहाँ पर एक आर्पेजिएटर भी है। ठीक है, और बीट के साथ। और यहाँ पर बेस भी है और यहाँ पर पियानो, तो सबको एक साथ में कैसा लगता है। और सबसे पहले जो क्लैप था। ठीक है, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान। तू मान मेरी जान। ठीक है, इस गाने के पीछे फिर से वायलिन बजा है, क्योंकि जो मेन गाना था उसके पीछे भी एक वायलिन था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फिर से एक वायलिन बजा दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो होता है, तो गाने का इस मान मेरी जान गाने का यहाँ पर ही एंड हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर एक फ्लूट का एक साउंड आता है, जो कि है ऐसा।
ठीक है, यहाँ पर भी रिवर्ब था। और इसके बाद आता है मेन काम, जो कि है यहाँ पर जो मैशअप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने यहाँ पर एक सरगम बोला था, जो कि आप लोग अगर सुनेंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि वो कौन सा गाना का सरगम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बज रहा है, ठीक है, वो पीछे से वो बज रहा है। ठीक है, तो कैसा लगता है? ठीक है, तो इसके बाद जो आता है वो हमारा सेकंड वाला गाना आता है। तो यहाँ पर भी मैंने जो पियानो है वहाँ का एक पैटर्न जो यहाँ पर भी मैंने चेंज किया है। ठीक है, तो वो क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से वो बीट सेक्शन आ जाता है। तो गाना को पहले हम सुन लेते हैं। यहाँ पर एक विंड चिम्स बज रहा है, यहाँ पर तो बेस है ही और उसके नीचे स्ट्रिंग्स बज रहा है वोकल के नीचे। ठीक है, और यहाँ पर एक रिवर्स सिंबल लग गया। हर दुआ में शामिल तेरा प्यार है, बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है, धड़कनों को तुझसे ही। अब देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बीट का जो है वो उस पैटर्न को मैंने चेंज किया था। तो कैसे किया था अब देख लेते हैं उस पैटर्न को। ठीक है, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर आर्पेजिएटर, साथ ही साथ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो एक साथ मिलकर धड़कनों को तुझसे ही दरकार है, तुझसे राहत है, तुझसे चाहत है, तू जो मिली एक दिन मुझे, मैं कहीं खो गया लापता। ठीक है, यहाँ पर लगभग सब कुछ सेम ही है। तो इसके बाद जो आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से एक दूसरा वाला गाना, तीसरा वाला गाना आता है। तो वो गाना कौन सा है हम लोग देख लेते हैं। तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनी सोनी तू आके देख ले। ठीक है, मैंने पहले वाला जो गाना गाया था वो भी किंग का था, और जो लास्ट का जो सॉन्ग है वो भी किंग का है। बीच में मैंने आतिफ सर का गाना घुसा दिया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देकर सुनी, यहाँ पर आप लोग सुन पाएंगे कि मेरा दोनों वॉयस है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने एक डुप्लीकेट वॉयस गाया था, तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए तू आके देख ले। और इसके साथ तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी। तो यहाँ पर भी सब कुछ सेम है। और इसके बाद जो आता है, यहाँ पर मैंने फिर से चेंज कर दिया और पहला वाला जो गाना था उसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया फिर से। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी
फिर से वायलिन, ठीक है। तो ये रहा पूरा गाना जो अभी तक आप लोग सुन रहे थे। तो कैसा लगा इस ब्रेकडाउन को, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इस गाने का कैराओके आप लोगों को चाहिए इस चैनल पर, तो मैं मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं इसका कैराओके भी यहाँ पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग लेकर गाना गा सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कैराओके को आप लोग मिक्स करना चाहते हैं अपने वॉइस के साथ, या फिर इस कैराओके का स्केल ऊपर नीचे करना चाहते हैं, स्पीड ऊपर नीचे का स्पीड कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक जो नंबर दे रखा है मैसेज दे सकते हैं कि आपका कैसा कौन सा तरीके का आपका इस गाने का ट्यून चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग गाना बनाना चाहते हैं कि आप लोग कोई गाना बनाएंगे, आपका कोई लिखा हुआ या कोई कवर सॉन्ग, तो वो भी आप लोग उस नंबर के ज़रिए से आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग ट्राई करेंगे कि यह आज आपके लिए अच्छे से गाना हम लोग बनाएं, ठीक है। तो आशा रखता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। सो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, ट्यूटोरियल भी हो सकता है या कोई ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।